एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कल शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन इसके पहले उद्धव ठाकरे को लगा है एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत सिंह गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप माना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इस बड़ी खबर से आप अंदाजा लगाइए ये किस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि सचिवालय ने शिंदे को विधायक दल का नेता माना है, भरत गोगावले को चीफ व्हिप माना गया है, एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता माना है और भरत गोगावले को शिवसेना चीफ व्हिप की मान्यता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत सिंह गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप माना है। तो सरकार को बहुमत साबित करना है शिंदे सरकार को, लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे को लगा है ये बड़ा झटका। सीधे रुक कर देते हैं, रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस खबर पर हमें देंगे। रौनक, ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को, इसी के साथ क्या ये समझा जाए कि शिवसेना जिसकी लड़ाई की बात की जा रही है कि किसकी है, शिंदे की? ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि विधानमंडल में आज विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और अध्यक्ष की ओर से जो पत्र अभी जारी किया गया उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले जो उद्धव ठाकरे कैंप ने अजय चौधरी को विधानसभा के विधानमंडल का नेता चुना था, उसको अब ये निर्णय जो है वो पलट दिया है और एकनाथ शिंदे के गुट के नेता जो है वो विधानमंडल में एकनाथ शिंदे होंगे और उनके व्हिप भरत गोगावले को उन्होंने अधिकृत कर दिया है। तो कल जब बहुमत परीक्षण होने जा रहा है और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे गुट का व्हिप अगर वो जारी करते हैं जो उन्होंने जारी कर दिया है, और ऐसे में अगर जो एक 16 विधायक जो उद्धव ठाकरे कैंप में वो अगर इस व्हिप के विरोध में वोट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये चित्र जो है देखने को मिल रहा है, ये लड़ाई अब कानूनी होने वाली है। निश्चित तौर पर कल का दिन काफी अहम होगा जी, यानी कि कल महत्वपूर्ण तो होगा ही, लेकिन इसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि शिवसेना आखिर किसकी, तो क्या शिवसेना अब शिंदे की? आप रहिए मेरे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।